वाह वाह लाइट पण खराब आहे. अरे बाप रे, चांगले लाईट, एकदम हार्ड लाईट आहे. सर ये ना ये मुझे थोड़ा ऐसा ही सर सर थोड़ा सा सर. हाँ थैंक यू. अगर तो फॉलो करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच. आप लोग सब यहाँ टाइगर यहाँ यहाँ थोड़ा सा लुक दिस साइड सर. लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर प्लीज. या थैंक यू. हेलो भाई. एक तो इतनी दूर आओ और फिर आप लोग कमिट करके आप आई नहीं कर पा रहे तो रॉन्ग. Look at me, sir. Yeah, but you should have taken 2 minutes to enter the highway. No, no, this is not right. This is really not right. This is really not right. They're not here for the shots, you know. There are agencies who can provide us with the shots. It's not about one phone, it's about buying. Normal time. Thank you. Janta. Thank you, boss. हाँ तो यस बहुत खुशी की बात है. यूजुअली जब ऐसा कुछ करते हैं तो पूरा देश बात करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो पूरे देश तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन देश का नाम रोशन बहुत ज़्यादा होता है. जैसे कि मोहित चैम्पियनशिप जीती है इंडिया पहली बार, और बहुत गर्व की बात है. एंड ज़िया थैंक यू सो मच कि आपके ही स्टूडेंट वर्ल्ड चैंपियन जीत के आया, गोल्ड मेडल लेके आए हैं. सो इट्स अमेजिंग एंड उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड गाइज सपोर्ट, ये भी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए. हम यूजली स्पोर्ट्स में जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं उसी को सपोर्ट करते हैं हम लोग, बट ऐसी भी एक स्पोर्ट हैं जो वर्ल्ड में नाम कमा रही है लेकिन किसी का अभी तक किसी की बात की जिक्र नहीं होती. लेकिन अब आई थिंक इस मामले पे भी ध्यान देना चाहिए. एंड दीज गाइज आर वेरी गुड, दीज किड्स आर वेरी अमेजिंग. गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए हैं इंडिया के लिए,
सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग सर। जी कितना इससे रिलेटेड करते हैं किक बॉक्सिंग? मैं बहुत किक बॉक्सिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत करता हूँ और इनफैक्ट मेरे को ट्रेन भी जीआई करता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ लेकिन आईपीएल अभी फिलहाल देख रहा हूँ तो मुझे दो टीम बहुत अच्छी लगती है, सीएसके और मुंबई। सर कलंक की बात करें तो आपने कुछ सॉन्ग्स कोरियोग्राफी काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और माधुरी जी का गाने के सबको वेट था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालांकि उनको सरोज जी ने कोरियोग्राफी, उनको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सी मेरे लिए एक बहुत बड़ी फ़ैन मूवमेंट थी वो गाना, मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि एक तो माधुरी मैम थी और ऊपर से सरोज जी कोरियोग्राफ कर रही थी तो मुझे सेट पे रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैं इन दोनों को एक साथ देख रहा था किस तरीके से काम करते हैं, तो अगर मेरे से पूछें तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उनके साथ दोनों के साथ एक साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा एक मोमेंट मिला है, सो आई एम थैंकफुल। एंड जहाँ तक गाने की बात है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी उनका काफ़ी गाना पसंद किया, जरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या था, एज अ डांसर आप उनको कैसे देखते हैं? एज अ डांसर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी है, इसके पहले मैंने एक गाना किया था दिलवाले में बट मुझे नहीं उतना डांसिंग नहीं था उसमें, बट अब जब सोलो पूरा गाना था और पूरा गाना उनके कंधे पे था तो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है शी प्रूव दैट शी इज अ ग्रेट डांसर। ओके, बॉलीवुड में बायोपिक का काफ़ी चेंज चल रहा है, आपको बनाना है तो आप किस पे बायोपिक करेंगे? अभी फ़िलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं फ़िलहाल अपनी फिल्में डांस फिल्में कर रहा हूँ तो आगे जाके अगर बायोपिक भी बनाऊँगा तो कुछ अपनी फील्ड का कुछ बनाऊँगा। सर आपकी कोई बायोपिक बना? मैं नहीं, अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, बनाएंगे। स्टोरी तो लाइक है आपकी बायोपिक बनने की। थैंक यू सो मच, देखते हैं आप लोग कह रहे हैं तो शायद होगी बट होपफुली यस। एक और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो जया प्रदा पे कमेंट किया उन्होंने उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड की फिल्म वो जाने माने एक्ट्रेस रही है तो बॉलीवुड को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करना चाहिए आपको? आई एम सो सॉरी, मुझे कुछ आइडिया नहीं क्या कमेंट है, क्या है मेरे को पता ही नहीं है क्या है। ओके, आजम खान करके है, उन्होंने जया प्रदा पे ऐसा कुछ अब सब कहे थे जिसको लेकर बॉलीवुड में कभी शांति है कुछ, कि उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया? मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है, अगर पता होता तो शायद कमेंट करता मैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू। आप इस बारे में कुछ बताइए कि क्यों, मतलब हमारे लिए इंडिया के लिए एक वेरी प्राउड मोमेंट है। एक्चुअली मुआय थाई जो बहुत टफ स्पोर्ट्स है, जैसे इंडिया में दूसरे जो मार्शल आर्ट है कराटे ताइक्वांडो काफ़ी टाइम से खेला जा रहा है लेकिन मुआय थाई जो है लास्ट 25 ईयर से इंडिया में खेला जा रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें नी एल्बो और काफ़ी हाई इंटेंसिटी फाइट है, काफ़ी इंजुरी होती हैं तो ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस थाई बॉक्सिंग में, किक मॉय थाई में। लेकिन ये मॉय थाई जो है थाईलैंड का नेशनल गेम है और वहाँ हर साल वहीं ऑर्गेनाइज होता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इस बार एक्चुअली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल इंडिया को फर्स्ट टाइम मिला, कासिम अंसारी है जो बैंटम वेट में उन्होंने मेडल जीता और सचिन पाटिल लाइट वेट में सिल्वर मेडल और मुदस्सर ब्रॉन्ज मेडल, तीन मेडल मिले, तीन फाइटर ने पार्टिसिपेट किया था, 100% तीनों को मेडल मिला तो हमारे लिए बहुत प्राउड खुशी की बात है। दूसरी बात कि किसी का सपोर्ट नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से, ओलंपिक की तरफ से, इन्हें ना फाइनेंशियली ना ज़्यादा कोई मीडिया ने इसको कवर किया इतनी बड़ी न्यूज़ होने के बाद में, तो बस ये चीज़ है। तो आपने सर उसको कैसे कवर किया, लाइक अगर किसी गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से नहीं हो पाया, और जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि टाइगर श्रॉफ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इन स्पोर्ट्स से, तो उनकी तरफ से कुछ हेल्प वगैरह लाइक कुछ हुआ है ऐसा? अभी जैसे मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन जैसे ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बॉलीवुड का इंडिया में यूथ के ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है और ये लोग अब न्यू जो सेलिब्रिटीज़ है एक्टर है ये लोग बड़ी अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं मार्शल आर्ट की, पहले तो डुप्लीकेट होता था वो स्टंट करता था लेकिन ये लोग खुद ही डुप्लीकेट से भी ज़्यादा अच्छा खुद ही स्टंट करते हैं, इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इससे ऑब्वियसली मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग एमएमए ये ज़्यादा प्रमोट हो रहा है और आई होप कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेंगी। जी नहीं, गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत कम स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। जी जी लास्ट जैसे कि फर्स्ट टाइम इंडिया में
जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी वो हमने बॉम्बे में की थी बांद्रा में, उसमें जॉन अब्राहम एम्बेसडर थे 2006 में। उसके बाद में हमने एशियन चैम्पियनशिप की पूना में, उसमें भी जॉन ने सपोर्ट किया। और अभी हम लोग जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी इंडिया में हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं इस साल नवंबर दिसंबर में। वहाँ से वर्ल्ड चैम्पियन फेडरेशन ने इसको रिकग्नाइज़ किया है इंडिया को वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो सेलिब्रिटी का हाथ है तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और जैसे कि मैंने तकरीबन लास्ट 20 ईयर से मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन कर रहा हूँ, सोनम कपूर, दीपिका, जॉन, ऋतिक और सैफ अली, कई सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने ट्रेन किया हूँ। जी जी, इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर इंडिया। हाँ, बहुत प्राउड मोमेंट इस गेम में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन करेंगे, हम इंडिया के लिए और भी ज़्यादा मेडल जीतेंगे। जी नहीं, एक्चुअली आज भी टफ ही है, आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि 2001 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था पहला इंडिया का। फिर उसके बाद में मैंने वर्ल्ड प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती और उसी में मेरा 29 सेकंड में मैंने नॉकआउट किया था, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था नॉकआउट का। तो एक्चुअली फेमस नहीं है इंडिया में, लेकिन यूरोप में फेमस है, तो वहाँ सारे लोग जानते हैं। ग्रीस में मैंने चैम्पियनशिप जीती, रशिया में जीती, यूएस में जीती, तो इंडिया से ज़्यादा बाहर लोग हमें जानते हैं। जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।